हाय एवरीवन गाइस, तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडो 10 में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम देख लेते हैं। तो हमें इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिनको आप देख पा रहे होंगे इस फोल्डर में। यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा एक इमेज फाइल है जो कि है पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसे हम लोग इमेज फाइल कहते हैं। तो जो वर्चुअल बॉक्स है ये लगभग 105 MB का है, एंड जो पैरट सिक्योरिटी जो हमारा इमेज फाइल है ये थोड़ा सा बढ़ा है गाइस, ये है लगभग 6 GB तक का, ठीक है ना। तो इसको भी दोनों को जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके लिए आप लोगों को सिंपली जो अपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, लाइक मैंने क्रोम को किया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना सीखते थे। यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स सिंपली आप लोग लिखोगे सर्च बार में, ठीक है। लेकिन बस जो पहली लिंक आएगी वर्चुअल बॉक्स .org वाली, उसी पर आप लोगों को जाना है। एंड यहाँ से जो बड़ा बड़ा बटन दिख रहा है ना डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स 7.0, इस पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से आप लोगों को दिखेगा वर्चुअल बॉक्स 7.0.8 प्लेटफॉर्म पैकेजेस। तो इसमें जो सबसे ऊपर है विंडो होस्ट, विंडो में पैरेट वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को जो सबसे ऊपर वाला ना विंडो होस्ट, इसी पे क्लिक कर देना सिंपल। इतने करने के बाद आप लोगों की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो पैरेट इमेज फाइल है वो कैसे इंस्टॉल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे पैरेट OS लिखना है सर्च बार में, ठीक है। जैसे आप लिखोगे सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी parrotsec.org करके, सिंपली इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्लिकिंग बाद आप लोग यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन दिखेगा गेट स्टार्टेड से पहले वाला, सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें। यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं एक डाउनलोड का, टॉरेंट का और चेक HSK, ये तीन बटन दिख रहे हैं। तो इनमें जो डाउनलोड वाला बटन है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को जो वर्चुअल बॉक्स सेकंड ऑप्शन जो है वर्चुअल बॉक्स AMD64 इसको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल इतना करते आप लोगों का जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 5.9 GB का ये है, तो आपको टाइम लग सकता है इसे डाउनलोडिंग में। डाउनलोड कर लें, ठीक है ना, मैंने कैंसिल कर दिया। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के पास ये दोनों फाइल कुछ इस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, जैसे आप लोग बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करें, यहाँ से येस कर दें। इसके बाद यहाँ से देखिए प्रेपेरिंग टू इंस्टॉल दिखाएगा, यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट कर देना है आप लोगों को, एंड देन येस, सिंपल हो गया आप लोगों का काम। येस येस करते जाइए, इंस्टॉल करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए, आप लोगों का जो ये वर्चुअल बॉक्स है ये ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ही लिया, और यहाँ पे जो है हमारा वर्चुअल बॉक्स जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। हमारी इमेज फाइल जो है यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हमें जो है अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमें जो है अब इमेज फाइल को वो करना है, फ्लैश करना है, एक प्रकार से फ्लैश हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, वही करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो ये वर्चुअल बॉक्स आप लोग देखते हो ये आइकन आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर हमें इंपोर्ट का जो ये बटन दिख रहा है ना, इस पर हमें इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से हमें जो है उस फाइल को सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि जो पैरेट जो इमेज फाइल है हमारी उसको सेलेक्ट करना है। उसके लिए हम सिंपली ये फोल्डर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपना जो वो फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी वो फाइल जो है वो इसके अंदर रखी है। तो आप लोग देखते हो पैरेट सिक्योरिटी 5.3, यही जो फाइल है आप लोग डाउनलोड करोगे वहाँ से, ठीक है। इस पर डबल टैप कर दें तो ये हमारा जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को सब चीज़ें ऐसे ही रहने देनी है, सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दें, एंड यहाँ पे आप लोगों को एग्री पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो है आप लोगों का ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप लोगों का जो ये पैरेट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्चुअल बॉक्स में फ्लैश हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है पैरेट को अपने विंडोज़ 11 हो चाहे 10 हो उसमें यूज़ कर पाओगे। मैंने जो है इसको विंडोज 11 में इंस्टॉल करा है, आप लोग चाहो तो सेम ही प्रोसेस विंडो 10 में भी फॉलो कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूँगा। तो वैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से जो हम मेरा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो सिंपली इतना कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो अभी इसको यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना इसको सिखाऊंगा। तो सिंपली मैं ऐसे कट करूँ। तो गाइस जब आप लोगों का पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके वर्चुअल बॉक्स में फ्लैश हो जाए मेरे तरीके से, इसके बाद आप लोगों को जब भी अपने पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है सिंपली ये जो वर्चुअल बॉक्स है इसको ओपन करें, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिख रहा है, ये देखिए ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा यहाँ पे। तो सिंपली आप लोगों को जो बस स्टार्ट का ग्रीन वाला एक तीर सा आइकन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दें। इतना करने के बाद आप लोगों का जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आप जब इसको पहली बार स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, और थोड़ी सी सेटिंग्स भी आप लोगों को, सेटिंग्स तो नहीं कहेंगे मैं, मतलब जो स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होता है वो करना पड़ेगा। तो बस वो देख लेते हैं, बाकी ये ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें हो जाती है वैसे हमारे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। बस मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स, जो काली लिनक्स है उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कई सारे जो है टूल्स मिल जाते हैं जो कि काले लिनक्स में नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें और भी हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से हमारा खुल चुका है। अब यहाँ से आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ से इसका जो फाइल मैनेजर है वो खुल जाता है, है ना। और इसके अलावा साथ ही यहाँ पे जो है इसमें टर्मिनल भी खुल जाता है, टर्मिनल आप लोग चाहो तो कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने विंडो 11 में इंस्टॉल कर लिया। आप लोग चाहो तो विंडो 10 में भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग को यहाँ से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब मैं जो हूँ आगे वीडियोस लाने वाला हूँ कि आप लोग इस सिस्टम को यूज़ कैसे करें अच्छे से। एथिकल हैकिंग में जो है इसका बहुत यूज़ है, तो वो सभी चीज़ें मैं एक प्रकार से आपको सिखाने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।